अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मोहम्मद व आलि मोहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। ये आप लोगों का सिलेबस है, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट की हैं और समझा देता हूँ कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। देखें, पहले साइंस कैटेगरी वालों के लिए बात कर लेते हैं। हर एक चीज़ मैं इसके अंदर आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एक वे मिल जाए। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, स्टूडेंट टैलेंटेड बहुत हैं, पढ़े लिखे भी हैं, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और लोग जो चीज़ें, क्या कहूँ मैं, खैर दूसरे टीचर्स की बात नहीं करूँगा, पर चलें इस टॉपिक पर आ जाते हैं। पहला है इंग्लिश, साइंस कैटेगरी वालों के लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, और एक सिर्फ चेंज है यहाँ पर। देखें, इस चीज़ को समझें कि साइंस कैटेगरी वालों के लिए सिर्फ एक चीज़ चेंज है कि या तो वो कंप्यूटर ले सकते हैं या बायो ले सकते हैं। जो स्टूडेंट बायोलॉजी समझता है कि उसको अच्छी आती है वो बायो की तैयारी करे, वो जो समझता है कंप्यूटर उसको सही आती है वो कंप्यूटर की तैयारी करे। इसमें चॉइस होगी। साइंस कैटेगरी वालों का कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, स्ट्रेट बात। अब इंग्लिश की, उसके अंदर 30% है, इसके अंदर भी इंग्लिश मौजूद है साइंस कैटेगरी वालों के लिए। तैयारी कैसे करनी है समझ लें। ये मैंने कुछ 8 पॉइंट्स लिखे थे इंग्लिश के, जो कि पास्ट पेपर्स को देख के ये निचोड़ निकला कि जी पोर्शन कौन कौन से हैं इंग्लिश के जो आते हैं। अब इनको तैयार कैसे करना है ये भी समझ लें बात को। ये सिलेबस से रिलेटेड ही मैं बात बता रहा हूँ इंग्लिश के पोर्शन के ऊपर। सबसे पहले जो एसपीएससी का फेवरेट टॉपिक है जी, स्पेलिंग मिस्टेक्स आप लोगों को देते हैं। दूसरा, कॉमन ईडियम्स जो होते हैं, मैं कॉमन ईडियम्स की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाले ईडियम्स की बात नहीं कर रहा। जैसे अकिलीज हील है, कॉमन ईडियम है, बोन ऑफ कंटेंशन है, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको ज़्यादातर एसपीएससी आगे रखती है। तो मुश्किल ईडियम्स की तरफ नहीं जाना। 100-200 आपने ईडियम्स याद कर लिए, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। और एक और टेक्निक मैं आप लोगों को बताऊं एमसीक्यूज को सॉल्व करने की, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ये है कि आपने सही आंसर नहीं ढूंढना, सही आंसर नहीं ढूंढना। आपने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शंस होते हैं, वो चारों पढ़ने हैं, और उनमें से ये देखना है कि जी इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है। उसको आपने बाइफरकेट किया, उसको आपने हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, आपके चांसेस हो गए 75%। आपने दूसरा जो गलत आंसर है उसको हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, आपके जो पास होने के या जो करेक्ट आंसर होने के जो चांसेस हैं वो कितने हो गए, वो 50% हो गए। आपने देखा है कौन बनेगा करोड़पति, जब एक ड्रामा वो आता था, सीजन आता था, उसके अंदर 50-50 का भी एक ऑप्शन होता था। तो जब आप 50-50 में अंदर होते हैं तो आपका जो परसेंटेज होती है, प्रोबेबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वो बढ़ जाती है पास होने की, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि देखें, ये है 50 नंबर का पेपर, इसके अंदर एक एक एमसीक्यू आपकी सीट या तो सिक्योर कर देता है या तो आप लोग वो सीट खो देते हैं। तो हर एक एमसीक्यू को पूरा प्रॉपर आपने देख के पढ़ के उसको पूरी इज्जत देनी है उस एमसीक्यू को, और फिर उसको सही करना है। अगर आपको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जी मुझे आता है और आपने एकदम टिक कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। आपने उसको पूरी रिस्पेक्ट देनी है, उसको पूरी तरीके से पढ़ के उसको आंसर देना, ठीक हो गया। दूसरा, तीसरे नंबर पर आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं आप लोगों को ये बात लिख के दे रहा हूँ। हम लोगों ने भी एक कोर्स ऑफर किया है, उसके अंदर इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, अभी मैं पाकिस्तान अफेयर के भी लेक्चर्स प्रिपेयर करूँगा, वो भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स को। पर साइंस कैटेगरी वालों का पूरा कोर्स हम लोगों ने डिटेल के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड किया है, और उससे पेपर बाहर नहीं जाएगा। गूगल ड्राइव हम लोगों ने अलग बनाई है, जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स प्रॉपर फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर वो चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, आपको डिटेल्स बता देंगे। 1500 उसकी फीस है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो हमारे पास नोट्स हैं, या आप कहीं से भी पढ़ लें, 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने याद करना है, 200, ठीक है। और अगर आप अभी जितना टाइम है, अगर आप दिन में 10 या 15 भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लेते हैं पूरे दिन में, 24 घंटे में, तो ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ आपके, इंग्लिश में 2 से 3 नंबर तो कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाजमी आता है हर पेपर के अंदर। और ये ना सिर्फ आपको अभी इस पेपर के अंदर हेल्प करेगा, ये आगे भी हेल्प करेगा। चौथे नंबर पे आ जाते हैं एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव की छोटी सी मैं आप लोगों को टिप दे दूं। देखें, एक्टिव पैसिव, जब पैसिव बना रहे हो तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर्स हम लोग अपलोड करेंगे, पर आप YouTube से भी बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे पढ़े हुए हैं जो कि आपको एक्टिव पैसिव पढ़ा सकते हैं, आप वहां से भी पढ़ लें अगर मेरे साथ नहीं पढ़ना चाह रहे तो।
पांचवें नंबर पे आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, छठे नंबर पे आता है टेंसेस, सातवें पे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आठवें पे जाके अगर एसपीएससी का दिल करता है तो एरर करेक्शन। ये आपका पूरा जामा कोर्स हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का। देखिए जब आप तोड़ तोड़ की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं ना, तब ज्यादा समझ में आ जाता है। अब इंग्लिश पढ़नी है, अब इंग्लिश में क्या पढ़ना है ये मैंने आपको 8 पॉइंट्स में बता दिया है, ठीक है। तो आपको तैयारी करने में आसानी है। एक दिन आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स पढ़ ली, या इसके साथ साथ आपने टेंसेस पढ़ लिए, फिर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के पढ़ लिए, तो आपको आसान हो जाता है कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम पास करने में, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जनरल कैटेगरी के ऊपर। मैंने बता दिया कि जी साइंस कैटेगरी में एक ही ऑप्शन है कि बायो उठाएं या तो कंप्यूटर उठाएं। जनरल कैटेगरी वालों के जो इंग्लिश है वो 30% है, बड़ा मार्जिन है, और ये स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, पर इन लोगों को सिनोनिम एंटोनिम्स भी याद करने हैं, ठीक है। अच्छा, सिनोनिम एंटोनिम के लिए बड़े मजे की बात है, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कहाँ से करें। दोस्तों सिनोनिम एंटोनिम आप लोगों ने याद नहीं करना है, आपने वोकैबुलरी अपनी डेवलप करनी है। जब आपकी वोकैबुलरी डेवलप हो जाती है ना, तो सिनोनिम एंटोनिम ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाता है। अगर आप सिनोनिम एंटोनिम याद करेंगे तो कभी भी याद नहीं होंगे। आपने वोकैबुलरी इन्हांस करनी है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा यार इस वर्ड का एंटोनियम ये होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से आप लोगों ने याद करना है। तो इंग्लिश के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बात की है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए पास 2 चॉइसेस हैं, टोटल 4 चॉइसेस हैं। या तो वो उर्दू ऑप्ट कर सकते हैं या तो सिंधी, आपके ऊपर होगा, ऊपर क्वेश्चन पेपर के अंदर ही ऑप्शन देंगे। पिछली दफा नहीं दिया था, मैंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई, और अल्लाह का शुक्र है कि एसपीएससी वालों ने सुन ली और उन लोगों ने ये समझ गए कि भाई ये गलती की है उन्होंने और ये अब गलती नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है। या तो सिंधी उठा सकते हैं या तो उर्दू उठा सकते हैं, इस्लामियात उठा सकते हैं या तो सिविक उठा सकते हैं, दोनों में से एक, यानी कि सिंधी या उर्दू, इस्लामियात या सिविक। मैं मशवरा ये दूंगा कि पेपर पहले पूरा पढ़ लेना, अगर तुम्हें सिंधी के एमसीक्यूज आ रहे हैं तो सिंधी टिक कर देना, अगर उर्दू के आ रहे हैं तो उर्दू कर देना। डेढ़ होशियारी मत करना, जो चीज़ें इंस्ट्रक्शन दी गई है वही करना, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, जो दिया बोला है वही करना। और पाकिस्तान स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, थोड़े से टॉपिक्स बता देता हूँ ये कहाँ से पढ़ना है। जो आपका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उससे पहले जो मुगल एरा है ना, आपने उसको पी जाना कि जी मुगल्स ने कौन से रूलर ने क्या किया था, जैसे शाहजहां ने क्या किया था, औरंगजेब ने क्या किया था, लेट मुगल्स क्या हैं, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को पता है। ये मैं भी पढ़ाऊंगा, जो मेरा कोर्स अभी आ रहा है उसके अंदर 1857 के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पढ़ने, जो एक्ट आया था 1858 का 61 का वो पढ़ने, उसके बाद आपने अलीगल मूवमेंट के ऊपर डिटेल पढ़ना है कि इसकी क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स थे, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इवेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ना है, और फिर 47 पे आके आप लोगों ने ज्योग्राफी को पढ़ना है। ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आप लोगों ने जो करंट डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान की, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो पढ़नी है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड वो पढ़नी है। तो एक क्रोनोलॉजिकल में पढ़ेंगे तो पास होगा, अदरवाइज पास नहीं होगा। कुछ वेबसाइट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, 3 से 4 वेबसाइट्स जो कि इंतहाई अहम होंगी आप लोगों के पेपर्स के लिए। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। और एक सवाल कि सर आपकी वीडियो ज़्यादा क्यों नहीं आती? यार देखिए मैं काम की बातें करता हूँ और रोज़ाना मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया करना नहीं चाहता कि रोज़ाना मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि जी ये आया है ये आया है। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता और ना आपके पास होता है, तो टू द पॉइंट बात करने की मेरी आदत है, तो जब भी मेरी वीडियोज़ कम आती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पसंद करते हैं, इस वजह से आती हैं। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।